मीराबाई का जीवन परिचय। भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित मीराबाई जी का जन्म सन 1498 ईस्वी को राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी गांव में हुआ था। इनके पिता राव रत्न सिंह तथा माता कुसुम कुंवर थी। बचपन में ही माता का निधन हो जाने के कारण इन्होंने अपने दादाजी के पास रहकर अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इनके दादा राव दादू बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीराबाई के जीवन पर भी पड़ा। संत रैदास उनके गुरु थे। 8 वर्ष की मीरा ने कब श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार लिया, यह बात कोई नहीं जान सका। इनका विवाह चित्तौड़ के महाराजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। वे बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। श्री कृष्ण को ही अपना पति मानते हुए मीराबाई उनकी भक्ति में लीन रहती थी। अपने पति भोजराज की मृत्यु के बाद मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब गई। वे संतों के साथ कीर्तन करती, श्री कृष्ण के प्रेम में गाती व नृत्य करती। मीराबाई का इस तरह कृष्ण भक्ति में नाचना गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने का असफल प्रयास किया। घर वालों के इस व्यवहार से परेशान होकर वह वृंदावन चली गई। मीरा की कीर्ति से प्रभावित होकर घर वालों ने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और इन्हें वापस बुलाने के लिए कई संदेश भेजे, परंतु मीरा सदा के लिए सांसारिक बंधनों को छोड़ चुकी थी। इनकी मृत्यु द्वारका में सन 1546 के आसपास हुई। कहा जाता है कि मीरा एक पद की पंक्ति हरि तुम हरो जन की पीर गाते गाते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गई। साहित्यिक सेवाएं। भक्ति काल की कवित्री मीराबाई परम कृष्ण भक्त थी। वे जिन पदों को कृष्ण भक्ति में विभोर होकर गाया करती थी, वही उनकी रचनाएं हैं। इनके काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। इनके काव्य में इनके हृदय की सरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। इनकी भक्ति साधना ही इनकी काव्य साधना है। दाम्पत्य प्रेम के रूप में व्यक्त इनके संपूर्ण काव्य में इनके हृदय के मधुर भाव गीत बनकर बाहर उमड़ पड़े हैं। विरह की स्थिति में इनके वेदनापूर्ण गीत अत्यंत हृदय स्पर्शी बन पड़े हैं। इनका प्रत्येक पद सच्चे प्रेम की पीर से परिपूर्ण है। भाव विभोर होकर गाए गए तथा प्रेम एवं भक्ति से ओतप्रोत इनके गीत आज भी तन्मय होकर गाए जाते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम भाव की व्यंजना ही इनकी कविता का उद्देश्य रहा है। कृतियाँ। मीराबाई की रचनाओं में इनके हृदय की सरलता और निश्चलता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: नरसी जी का मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ के पद, मीराबाई की मल्हार, राग विहाग एवं फुटकर पद। भाषा शैली। मीराबाई के काव्य में उनके हृदय की सरलता, तरलता तथा निश्चलता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। मीराबाई ने गीति काव्य की रचना की। उन्होंने कृष्ण भक्त कवियों की परंपरागत पद शैली को अपनाया। मीराबाई के सभी पद संगीत के स्वरों में बंधे हुए हैं। उनके गीतों में उनकी आवेशपूर्ण आत्माभिव्यक्ति मिलती है। प्रियतम के समक्ष आत्मसमर्पण की भावना तथा तन्मयता ने उनके काव्य को मार्मिक बना दिया है। वह जीवन भर कृष्ण वियोगिनी बनी रही। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। इनके काव्य की शैली गीति शैली है। इनकी काव्य भाषा अत्यंत मधुर, सरस और प्रभावपूर्ण है। इनके सभी पद गेय हैं। इनकी शैली में हृदय की तन्मयता,
लयात्मकता एवं संगीतात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। कृष्ण के प्रति उनके अगाध प्रेम ने ही उन्हें कृष्ण काव्य के समुन्नत स्थल तक पहुंचाया। मीराबाई का जीवन परिचय आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अन्य कवियों तथा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखें।